उसके बाद 2-3 दिन देवदास व्यर्थ ही रास्तों का चक्कर काटता फिरा पागल जैसा। धर्मदास क्या तो कहने गया था, आंखें लाल पीली करके उस पर झपट उठा। हाल देखकर चुन्नीलाल भी बात करने की हिम्मत न कर सका। धर्मदास ने रोक कर पूछा, ऐसा क्यों हुआ चुन्नी बाबू? चुन्नीलाल ने पूछा, क्या बात है धर्मदास? एक अंधे ने दूसरे अंधे से राह पूछी। अंदर की बात दो में से किसी एक को भी मालूम नहीं, अपनी आंखें पोंछते हुए धर्मदास ने कहा। चुन्नी बाबू, चाहे जैसे भी हो, देवा को माँ के पास भेज दीजिए। जब पढ़ना लिखना नहीं है तो यहाँ रहकर क्या करेगा? बात सही है, चुन्नीलाल सोचने लगा। 4-5 दिन के बाद एक दिन सांझ को सदा की तरह चुन्नीलाल बाहर निकल रहा था। जाने कहां से आकर देवदास ने उसका हाथ पकड़ा। चुन्नी बाबू, कहीं जा रहे थे? सकपका कर चुन्नी बोला। नहीं, कहो तो ना जाऊं। नहीं, मना नहीं करता, सिर्फ एक बात बताओ, वहां किस उम्मीद से जाते हो तुम? उम्मीद क्या, वक्त निकल जाता है। निकल जाता है? कहाँ, अपना तो वक्त नहीं निकलता, मैं वक्त निकालना चाहता हूँ। चुन्नीलाल कुछ देर उसकी तरफ देखता रहा, शायद चेहरे पर मन के भाव को पढ़ने की चेष्टा की, फिर बोला, देवदास तुम्हें क्या हुआ है, खोलकर बताते क्यों नहीं? नहीं, कुछ नहीं। नहीं कहोगे? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी देर तक सिर झुकाने के बाद चुन्नीलाल ने कहा, मेरी एक बात मानोगे? तुम्हें एक बार वहां और चलना पड़ेगा, मैं वादा कर चुका हूँ। उस दिन जहाँ गया था वही ना? हाँ। राम कहो, मुझे अच्छा नहीं लगता, जरा देर अनमना सा रह कर देवदास बोला। अच्छा चलो। उसे गिरावट की एक सीढ़ी नीचे उतार कर चुन्नीलाल जाने कहाँ खिसक पड़ा। अकेला देवदास चंद्रमुखी के कमरे में नीचे बैठकर शराब पी रहा था। पास में बैठी चंद्रमुखी ने डरते डरते कहा, देवदास अब मत पियो। गिलास नीचे रखकर देवदास ने भवें तानी, क्यों? थोड़े दिनों से शराब पीना शुरू किए हो, इतना नहीं संभाल पाओगे। संभालने के लिए शराब नहीं पीता, पीता हूँ यहाँ रहने के लिए। चंद्रमुखी ने बार बार यह सुना है, अक्सर जी में आता है दीवार से सिर टकराकर मर जाए। देवदास को वह प्यार कर बैठी है। देवदास ने गिलास को फेंक दिया, सोफे की टांग से टकराकर वह चूर चूर हो गया। तब करवट ले और तकिए के सहारे लुढ़क कर लड़खड़ाते स्वर में बोला, मुझ में उठने की ताकत नहीं, कभी यहाँ बैठा रह जाता हूँ, होश नहीं रहता, इसलिए तुम्हारी शक्ल देखकर बात करता हूँ, फिर भी बेहोश नहीं होता, थोड़ा सा होश रहता है, तुम्हें छू नहीं सकता, बड़ी नफरत होती है। आंखें पोंछती हुई चंद्रमुखी कहने लगी, देवदास यहाँ बहुत से लोग आते हैं जो कभी शराब छूते ही नहीं। आंख फाड़कर देवदास उठ बैठा, लड़खड़ाता हुआ हाथ इधर उधर मारते हुए बोला, अगर पीना कभी छोड़ दूं, जो कि छोड़ूंगा नहीं, तो फिर मैं कभी यहाँ आऊंगा नहीं। मेरा उपाय तो है, लेकिन उनका क्या होगा? ठहर कर कहने लगा, बड़े दुख में पीने की आदत लगाई है मेरी, मुसीबत की साथिन, अब तुझे हरगिज नहीं छोड़ सकता। देवदास तकिए में मुंह रगड़ने लगा। चंद्रमुखी झपट कर आई और उसके सिर को खींच लिया। देवदास ने भवें तान कर कहा, राम राम, छुओ मत मुझे, अभी तो होश है। चंद्रमुखी, तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं, जानता सिर्फ मैं हूं कि मैं तुम लोगों से किस तरह नफरत करता हूँ, सदा नफरत करता रहूंगा, फिर भी आऊंगा, बातें करूंगा, इसके सिवाय और कोई चारा जो नहीं। तुम क्या इसे समझ पाओगी? लोग अंधेरे में पाप करते हैं और यहाँ नशे में चूर होते हैं, ऐसी मौज की जगह क्या दुनिया में दूसरी है? और तुम लोग? नेत्र फैलाकर देवदास ने कुछ क्षण उसके उदास मुखड़े की ओर देखा और कहा, सहनशीलता की प्रतिमूर्ति, फजीहत, झिड़की, अपमान, अत्याचार, उत्पात, औरतें कितना सह सकती है, इसकी मिसाल तुम ही लोग हो। इसके बाद वह चित लेट गया, चुप चुप कहने लगा, चंद्रमुखी कहती है वह मुझे प्यार करती है, मैं यह नहीं चाहता, नहीं चाहता। लोग नाटक करते हैं, चेहरे पर कालिख चूना पोतते हैं, चोर बनते हैं, प्रेम करते हैं, कितनी प्रेम की बातें करते हैं, रोते हैं, सब मानो सच है, मेरी चंद्रमुखी नाटक करती है, मैं देखता हूँ, लेकिन उसकी जो याद आती है, पलों में सब जाने क्या हो गया, कहाँ गई वह और किस रास्ते चला मैं। अब जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ा नाटक शुरू हो गया, एक पक्का शराबी। इसमें गलत क्या है? आशा नहीं, विश्वास नहीं, सुख नहीं, साध नहीं। वाह, बहुत खूब।
इसके बाद करवट लेकर जाने वह बड़बड़ाता रहा, चंद्रमुखी समझ नहीं सकी। जरा ही देर में देवदास सो गया। चंद्रमुखी पास जाकर बैठी, दामन को भिगोकर उसका मुंह पोंछ दिया, गीले तकिए को बदल दिया, पंखा लेकर झलती हुई बड़ी देर तक मुंह झुकाए बैठी रही। रात का एक बज रहा था, चिराग बुझाकर किवाड़ लगाकर वह दूसरे कमरे में चली गई। द्विजदास और देवदास तथा गांव के और लोग जमींदार नारायण मुखर्जी का अंतिम संस्कार करके लौट आए। द्विजदास जोर जोर से रो पीट कर पागल सा हो रहा। मोहल्ले टोले के लोग उसे संभाल नहीं पा रहे थे और देवदास चुपचाप एक खंभे के पास बैठा था। मुंह से कोई शब्द नहीं, आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं। कोई उसे संभाल नहीं रहा था, कोई दिलासा देने की कोशिश नहीं कर रहा था। मधुसूदन घोष एक बार उसकी ओर गया भी, कहने लगा, बेटा भाग्य में। बात बीच में काटकर देवदास ने हाथ से द्विजदास की तरफ बताते हुए कहा, वहां। वह अप्रतिभ होकर हां वे बेहतर शोक कहता हुआ वहां से चला गया। फिर कोई उसके पास न पहुंचा। दोपहर के बाद देवदास मूर्छित सी पड़ी माँ के कदमों के पास जा बैठा। वहां बहुत सी औरतें उन्हें घेरे बैठी थी, पार्वती की दादी भी थी। टूटी आवाज में शोक विह्वल देवदास की माँ को पुकार कर उन्होंने कहा, बहू जरा देखो तो देवदास आया है। देवदास ने पुकारा, माँ। मात्र एक बार उसकी ओर देखकर वह बोली, बेटा। तत्पश्चात उनकी मुंदी आंखों से अविरल आंसू की धारा बहने लगी। औरतों की टोली जार बेजार रो पड़ी। देवदास कुछ देर तक माँ के चरणों में मुंह गाड़े रहा, फिर उठकर धीरे धीरे चला गया। वह स्वर्गवासी पिता के सोने के कमरे में गया, आंखों में आंसू नहीं, गंभीर शांत, अपनी सुर्ख आंखें ऊपर किए फर्श पर बैठ गया। जो भी उसकी मूर्ति देख लेता वही डर जाता। कनपट्टी के दोनों तरफ की नसें फूल रही थी, बड़े बड़े रूखे बाल फैल गए थे, तपे सोने सा रंग स्याह पड़ गया था। कलकत्ता के घिनौने व्यभिचार के बाद रात का जागरण और फिर पिता की मौत, साल भर पहले जिसने उसे देखा था, आज देखता तो वह पहचान नहीं पाता। कुछ देर बाद पार्वती की माँ उसे खोजती हुई आई और बोली, देवदास क्या है चाची, ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा बेटा। देवदास उनकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ है चाची। चाची सब समझती थी, वह उत्तर न दे सकी। देवदास के सिर को अपनी गोद में खींचकर बोली, देवता बेटे। क्या है चाची। देवता चरण बेटा। उनकी छाती में मुंह छिपाकर देवदास ने एक बूंद आंसू बहाया। शोक संतप्त परिवार के भी दिन कटते हैं। फिर सवेरा हुआ, रोना धोना बहुत कुछ थम गया। द्विजदास खामोश हुए, माँ भी उठ बैठी, आंखें पोंछती हुई कामकाज करने लगी। दो दिन बाद द्विजदास ने देवदास को बुलाकर पूछा, श्राद्ध में कितना खर्च करना चाहिए। बड़े भाई की ओर देखते हुए देवदास बोला, जितना उचित समझिए। नहीं भाई, अब केवल मेरी राय नहीं चलने की, तुम सयाने हो गए हो, तुम्हारी राय भी जरूरी है। देवदास ने पूछा, नकद रुपये हैं कितने। खजाने में 1.5 लाख रुपये हैं, मेरी समझ में 10,000 रुपये खर्च करना ही काफी होगा, क्या ख्याल है। मुझे क्या मिलेगा, द्विजदास ने आगा पीछा करके कहा। तुम भी आधा आधा पाओगे, 10,000 खर्च होगा तो हमारा तुम्हारा 70,000 रहेगा। माँ को क्या मिलेगा। माँ नकद रुपये का क्या करेंगी, वे तो घर की मालकिन ही ठहरी, हम लोग उनका भरण पोषण करेंगे। कुछ सोचकर देवदास ने कहा, मेरे विचार से आपके हिस्से का 5,000 खर्च हो और मेरे हिस्से का 25,000। मेरा जो 25,000 बचा रहेगा मैं उसमें का 25,000 लूंगा, बाकी 25,000 माँ के नाम से जमा रहेगा, आपकी क्या राय है। पहले तो द्विजदास कुछ शर्मिंदा हुए, फिर बोले, ठीक है, अपनी स्थिति तो जानते हो, स्त्री है, बेटी बेटा है, उनके ब्याह जनेऊ में काफी खर्च पड़ेगा, खैर यही राय ठीक है। जरा रुक कर बोले, तो यह लिख देना। लिखा पढ़ी की जरूरत है, यह कुछ अच्छा न लगेगा। मेरी समझ में रुपए पैसे की बात गुपचुप ही रहे तो ठीक है। ठीक तो है, मगर जानते हो, खैर मैं लिखे देता हूँ। और उसी रोज देवदास ने लिखा पढ़ी कर दी। दूसरे दिन देवदास सीढ़ी पर से उतर रहा था कि सीढ़ी की बगल में पार्वती पर नजर पड़ी, सकपका गया। पार्वती उसे ऐसे देख रही थी मानो पहचानने में कठिनाई हो रही हो। देवदास शांत और गंभीर भाव से समीप जाकर बोला, बारू कब आई तुम। वही आवाज 3 वर्ष पश्चात भेंट। सिर झुकाकर पार्वती ने कहा,
आज सुबह आई। काफी दिनों से भेंट नहीं हुई, ठीक ठाक से तो रही? पार्वती ने सिर हिलाया। चौधरी बाबू मजे में हैं? बाल बच्चे सब सकुशल है? पार्वती ने एक बार उसकी ओर देखा, मगर एक बार भी यह न पूछ सकी कि आप कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। अब तो सब कुछ पूछने का कोई सवाल नहीं उठता। देवदास ने पूछा, अभी कुछ दिन रहना है ना? हाँ, फिर तो ठीक है, कहकर देवदास बाहर चला गया। श्राद्ध निपट गया, उसकी चर्चा की जाए तो बहुत कहना पड़ेगा। श्राद्ध के दूसरे दिन पार्वती ने धर्मदास को एकांत में बुलाकर सोने का हार दिया। बोली, अपनी बच्ची को दे देना। उसकी ओर देखकर अपनी गीली आंखों को अभी भी गीला करते हुए धर्मदास ने कहा, जमाने से तुम्हें नहीं देखा, सब कुशल तो है? सब ठीक है, तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं ना? हैं पारू। और तुम? लंबी उसांस भरकर अब की धर्मदास ने कहा, अच्छा क्या हूं पारू, अब चल देने को जी चाहता है, मालिक चल दिए। शोक के आवेग में धर्मदास जाने कितना क्या कहता, पार्वती ने बाधा दी। इन समाचारों के लिए उसने हार थोड़े ही दिया था। पार्वती बोल पड़ी, क्या कहते हो धर्मदास, तुम चल दोगे तो देव भैया को कौन देखेगा? अपना सिर पीटकर धर्मदास बोला, जब नन्हा मुन्ना था तब देखा, अब ना देखना पड़े तो ही सही है। पार्वती उसके पास सरक आई, बोली, एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? क्यों नहीं दीदी, तो सच सच बताओ, देव भैया इन दिनों क्या करता है? करता क्या है मेरा सिर, धर्मदास खोल कर कहो। फिर अपना सिर पीटकर धर्मदास बोला, खोल कर खाक बताऊं दीदी, कहने की बात है यह, अब मालिक न रहे, देवदास के हाथों बेहिसाब रुपए आ गए, अब खैर है भला? पार्वती का चेहरा बिल्कुल फीका हो गया, इशारे से कुछ सुना था उसने। उदास होकर बोली, क्या कह रहे हो देवदास? मनोरमा के पत्र से उसने कुछ जाना था, पर उस पर विश्वास नहीं कर सकी थी। धर्मदास कहने लगा, न खाने का होश, न सोने की परवाह, बस शराब और शराब। तीन तीन और चार चार दिन तक कहाँ पड़ा रहता है कोई पता नहीं, कितने रुपए फूके, सुना उसको कितने हजार के तो गहने बनवा दिए। कांप उठी पार्वती, अचरज से बोली, धर्मदास क्या यह सब सच है? धर्मदास कहने लगा, शायद तेरी सुने, एक बार उसे तू मना कर, वैसी तंदुरुस्ती क्या हो गई है, ऐसे जुल्म से जिएगा कितने दिन? कहूं भी तो किससे कहूं, माँ से, बाप से, भाई से, ये बातें कहने की नहीं। धर्मदास ने सिर पीट लिया और बोला, जी होता है सिर फोड़कर मर जाऊं, जीने की इच्छा नहीं रही। पार्वती कह उठी, नारायण बाबू के मरने की खबर पाकर वह दौड़ी आई थी, सोचा था इस मुसीबत की घड़ी में देव भैया के पास जाना उचित है, लेकिन उसका इतना प्यारा देव भैया को यह क्या हो गया, कितनी बातें याद आने लगी, सीमा नहीं। जितना उसने देवदास को धिक्कारा, उससे हजार गुना अपने को धिक्कारा। हजार बार उसके जी में आया, वह होती तो क्या यह अंजाम हो सकता था? पहले ही उसने अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मारी थी, वह कुल्हाड़ी अब उसके सिर पर पड़ी। उसका देव भैया ऐसा होता जा रहा है, इस तरह से बर्बाद हो रहा है, और वह दूसरे की गृहस्थी संभालने में मशगूल है। दूसरे को अपना समझकर वह रोज अन्नदान कर रही है, और उसका सर्वस्व आज भूखों मर रहा है। पार्वती ने कसम खाई, आज देवदास के पैरों पर सिर पटक कर वह जान दे देगी। शाम होने में कुछ देर थी, पार्वती देवदास के कमरे में पहुंची। देवदास चारपाई पर बैठा हिसाब देख रहा था। पार्वती ने धीरे से किवाड़ बंद कर दिया और नीचे बैठ गई। सिर उठाकर देवदास हंसा, चेहरा उदास था पर शांत। अचानक हंसी कर बैठा, अगर इल्जाम लगाऊं तो? पार्वती ने शर्मीली कमल सी आंखें उस पर ठहरा कर फिर झुका ली। पल में उसने यह देखा कि यह बात सदा के लिए उसके कलेजे में वज्र सी बिंधी है। अब फिर क्यों, कितनी ही बातें कहने आई थी सब भूल बैठी, देवदास के सामने वह बात नहीं कर सकती। देवदास फिर हंसा, बोला, समझ गया पारू, समझ गया, शर्म लगती है क्यों? पार्वती फिर भी बात न कर सकी। देवदास कहने लगा, लाज की क्या बात, दोनों ने मिलकर नादानी की, और देख कैसा गड़बड़ हो गया। गुस्से में तूने जो मुंह में आया वही कहा, मैंने भी माथे पर निशान लगा दिया, कैसा रहा? देवदास की बातों में व्यंग कतई नहीं था, खुले दिल से हंसते हुए पुरानी दुख कथा कह गया।
लेकिन पार्वती का कलेजा टुकड़े टुकड़े होने लगा। मुंह पर कपड़ा रखकर सांस रोके मन ही मन बोली, देव भैया वह निशान मेरी ही सांत्वना है, सहारा है। तुम मुझे प्यार करते थे, इसीलिए कृपा करके बचपन के इतिहास को मेरे माथे पर लिख दिया है। यह मेरे लिए शर्म की नहीं, कलंक की नहीं, गौरव की चीज है। पारू, मुंह पर से आंचल सरकाए बिना ही पार्वती बोली, कहो, तुझ पर मुझे बड़ा क्रोध आता है। अब देवदास का स्वर विकृत होने लगा, पिताजी नहीं रहे आज मेरे दुख की हद नहीं, अगर तू होती तो मुझे फिक्र नहीं रहती, बड़ी बहू को तो जानती ही हो और भैया का स्वभाव भी तुझसे छिपा नहीं, तू ही बता ऐसे में मैं माँ के लिए क्या करूं और मेरा ही क्या हाल होगा, पता नहीं तू होती तो सब तुझी को सौंप कर। अरे रे यह क्या पारू, पार्वती फफक कर रो उठी। देवदास बोला, रो रही है, आगे तो कहना रही गया। आंखें पोछते हुए पार्वती ने कहा, कहो। देवदास ने पल भर में भर्राई आवाज को दुरुस्त करके कहा, मैंने सुना तू पक्की गृहिणी बन गई है। पार्वती ने अपने पर संयम करके होठ काटा, बोली, खाक गृहिणी, सेमल का फूल भी देवता की पूजा के काम आता है। देवदास हंस उठा, हंसकर बोला, बड़ी हंसी आती है, इतनी बड़ी थी तू, कितनी बड़ी हो गई। बड़ा सा मकान, बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े लड़के लड़कियों और चौधरी बाबू, सभी बड़े हैं ना पाड़ू। चौधरी बाबू पार्वती के लिए बड़े सम्मान की वस्तु थे, उनकी याद आते ही पार्वती को हंसी आती थी, इस तकलीफ में भी उसे हंसी आ गई। देवदास ने बनावटी गंभीरता से पूछा, मुझ पर एक उपकार करेगी? पार्वती ने पूछा, कौन सा उपकार? तेरी तरह कोई अच्छी लड़की मिलेगी? थूक गटक कर खांस कर पार्वती बोली, अच्छी लड़की क्या करोगे, मिले तो शादी कर लूं, दुनियादार बनने को जी चाहता है। बिल्कुल भले मानस की तरह पार्वती बोली, खूबसूरत ना? हाँ तेरे जैसी। और बहुत भोली? ना बहुत भोली की दरकार नहीं, बल्कि जरा दुष्ट हो जो तेरी तरह मुझसे झगड़ा कर सके। पार्वती ने मन ही मन कहा, यह तो किसी से ना बनेगा, इसलिए कि उसके लिए तो मेरी तरह प्यार करना भी आना चाहिए। जाहिर में बोली, कल मोही मैं, मेरी तरह कितने हजार और तुम्हारे चरणों में आ जाएं तो धन्य हो। देवदास ने हंसी में कहा, बहरहाल वैसी एक दे सकती है, बता, सच ही ब्याह करोगे देव भैया? कहा तो सिर्फ यही नहीं कहा उसने खोलकर कि उसके सिवाय और किसी स्त्री में जीवन भर उसकी प्रवृत्ति ही ना होगी। देव भैया एक बात कहूं? कहो। अपने को संभाल कर पार्वती ने कहा, तुमने शराब की आदत क्यों डाली? देवदास हंस उठा, खाना पीना सीखना पड़ता है कहीं, मेरा मतलब है आदत क्यों डाली? किसने कहा तुमसे? धर्मदास ने? जिसने भी चाहे कहा हो, बात सही है या नहीं? देवदास ने झूठ नहीं कहा, बोला, किसी हद तक सही है। पार्वती कुछ देर चुप रही, फिर बोली, कितने हजार का जेवर भी बनवा दिया है ना? देवदास बोला, दिया नहीं है, बनवा कर रखा है, तू लेगी? हाथ फैलाकर पार्वती बोली, दो, देखो ना मेरे पास एक भी जेवर नहीं। चौधरी बाबू ने दिया नहीं? दिया था, मैंने सारा का सारा उनकी बेटी को दे दिया। तुझे जरूरत नहीं? सिर हिलाकर पार्वती ने चेहरा झुका लिया। अब सच ही देवदास की आंखों में आंसू आने लगे। हृदय से उसने समझा कि मामूली कष्ट से औरत अपने गहने उतार कर नहीं बांटती, मगर आंखों के आंसू पीकर बोला, पारू गलत बात है, मैं किसी भी स्त्री को प्यार नहीं करता, किसी को भी जेवर नहीं दिए। लंबी सांस भरकर पार्वती ने मन में कहा, मेरा भी यही विश्वास है। बड़ी देर तक दोनों ही चुप रहे। उसके बाद पार्वती ने कहा, लेकिन प्रतिज्ञा करो कि अब शराब नहीं पियोगे। यह नहीं होगा, क्या तुम प्रतिज्ञा कर सकती हो कि मुझे एक बार भी याद नहीं करोगी? पार्वती कुछ न बोली। इतने में बाहर संध्या के शंख की ध्वनि गूंजी। देवदास ने चौंक कर खिड़की से बाहर देखा, कहा, शाम हो गई, अब घर जा पारू? मैं नहीं जाती, तुम प्रतिज्ञा करो। यह मुझसे न होगा। क्यों ना होगा? ऐसे क्या सब कुछ हो सकता है? चाहे तो जरूर हो सकता है। तुम आज रात्रि को मेरे साथ भाग सकती हो? पार्वती की छाती की धड़कन अचानक मानो रुक गई, स्वयं ही मुंह से अस्फुट स्वर में निकल पड़ा, ऐसा भी होता है?
देवदास बिस्तर पर जरा सरक कर बैठा, बोला, पार्वती दरवाजा खोल दो। पार्वती दरवाजे के पास सरक गई और दरवाजे से पीठ लगाकर बैठती हुई बोली, प्रतिज्ञा करो। देवदास उठ खड़ा हुआ, धीरे भाव से बोला, पारु जबरन प्रतिज्ञा कराना क्या ठीक है, या कि उससे कोई खास लाभ है? आज की प्रतिज्ञा कल शायद टूट जाए, व्यर्थ क्यों मुझे झूठा बनाएगी? फिर बड़ी देर तक चुपचाप रहे। ऐसे में जाने किस कमरे में घड़ी में टन टन करके 9 बजे। देवदास व्यग्र हो उठा, अरी पारू दरवाजा खोल दे। पार्वती खामोश, अरी पारू मैं हरगिज नहीं जाने की, कहकर अचानक रुद्ध आवेग से वह वहीं लेट गई। देर तक रोती रही। कमरे में घना अंधेरा, कुछ भी दिख नहीं रहा था। देवदास ने अनुमान से जाना पार्वती जमीन पर पड़ी रो रही है। धीरे धीरे पुकारा, पारू देव भैया मैं तो मरी जा रही हूँ, कभी तुम्हारी सेवा नहीं कर सकी, यह तो मेरी जन्म जन्म की इच्छा थी। अंधकार में आंखें पोंछकर देवदास ने कहा, उसका भी तो समय है, तो मेरे पास रहो, यहाँ तो तुम्हें देखने वाला कोई नहीं, तेरे यहाँ जाऊँ तो खूब जतन करेगी, यह मेरी बचपन की साध है, मेरे स्वर्ग के देवता इसे पूरी कर दो, उसके बाद मर जाऊं कोई गम न होगा। अब देवदास की आंखों में आंसू भर आए। देवदास ने आंसू पोंछ कर कहा, अच्छा जाऊंगा, मुझे छूकर कहो, जाओगे? अनुमान से पार्वती के पांव छूकर देवदास ने कहा, मैं यह वादा न भूलूंगा, मेरा जतन करने से अगर तेरा दुख दूर हो तो मैं जाऊंगा, मरने से पहले तक भी मुझे यह बात याद रहेगी। पिता की मृत्यु के पश्चात लगातार 6 महीने तक रहते रहते देवदास ऊब उठा। न सुख न शांति, एकांकी जीवन, ऊपर से पार्वती की चिंता। इन दिनों हर बात में उसकी याद आती, और भाई द्विजदास तथा पतिव्रता भाभी ने तो उसकी मुश्किल और भी बढ़ा दी। माँ की हालत भी उसी जैसी, स्वामी के साथ साथ उनका सारा सुख भी चला गया। पराधीन सी रहकर धीरे धीरे घर उन्हें असहनीय हो उठा। कुछ दिनों से वे काशीवास का संकल्प कर रही थी, केवल देवदास का विवाह कराए बिना जाना न हो रहा था। कहती, देवदास तू ब्याह कर, मैं इन आंखों से देख लूं और चली जाऊं। मगर यह संभव कहां, एक तो पिता की बरसी नहीं हुई, फिर मन मुताबिक लड़की की खोज करनी थी। इसीलिए आजकल उन्हें कभी कभी दुख हो जाता कि उस समय पार्वती से ही ब्याह देती तो अच्छा था। एक दिन देवदास को बुलाकर कहा, बेटा अब तो रहा नहीं जाता, कुछ दिन के लिए काशी चली जाती तो अच्छा होता। देवदास भी यही चाहता था, बोला, मैं भी वही कह रहा था, 6 महीने पश्चात लौट आना। तो फिर वही कर बेटा, लौट कर उनकी बरसी के बाद तेरा ब्याह करके तुझे संसारी देख लूंगी, फिर मैं काशीवास करूंगी। देवदास सहमत हो गया। कुछ दिनों के लिए माँ को काशी छोड़ आया और आप कलकत्ता चला गया। कलकत्ता में 3-4 दिनों तक वह चुन्नी लाल की खोज करता रहा। वह नहीं मिला, मेस छोड़कर जाने कहाँ चला गया। एक दिन शाम को चंद्रमुखी की याद आई, एक बार मिल ले तो क्या हर्ज है, इतने दिनों उसकी बिल्कुल याद नहीं आई। देवदास को शर्म सी हो आई। किराए की एक गाड़ी पर शाम के बाद ही चंद्रमुखी के घर के सामने पहुंचा। बड़ी देर तक चीख पुकार के बाद अंदर से एक नारी कंठ का उत्तर आया, यह नहीं है। सामने गैस की बत्ती का खंभा था। देवदास उसकी तरफ खिसक कर बोला, बता सकती हो वह कहाँ गई है? उसने खिड़की खोलकर कुछ दूर देखा और पूछा, तुम देवदास हो? हाँ। ठहरो, दरवाजा खोलती हूँ। उसने दरवाजा खोल दिया, कहा, आओ। आवाज कुछ पहचानी सी लगी, फिर भी उसे पहचान न सका, कुछ अंधेरा भी हो गया था। पूछा, चंद्रमुखी कहाँ है, कह सकती हो? उसने हंसकर कहा, बताती हूँ, ऊपर चलो। अब देवदास पहचान गया, अरे तुम? हाँ मैं, बिल्कुल भूल गए। ऊपर गया, देखा चंद्रमुखी काली कोर की साड़ी पहने है, मैली सी कलाई पर 2 कड़े और कोई जेवर नहीं, सिर के बाल बिखरे हुए। अचरज से पूछा, तुम? खूब गौर किया, चंद्रमुखी पहले से बहुत कमजोर हो गई थी। पूछा, तबीयत खराब थी? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, शारीरिक तो बिल्कुल नहीं, तुम आराम से बैठो। देवदास बिस्तर पर बैठा,
देखा कमरे की शक्ल बिल्कुल बदल गई है, अपनी मालकिन जैसी। उसकी दुर्दशा का भी अंत नहीं, कोई सामान नहीं, अलमारी टेबल कुर्सी की जगह खाली पड़ी है, केवल एक बिछौना और मैली चादर। दीवार की तस्वीरें हटा दी गई थी, कीले थी, दो एक लाल फीते भी लटक रहे थे। ऊपर की घड़ी टंगी तो थी पर चुप पड़ी थी। आसपास मकड़ों ने मनमाना जाल लगा रखा था। एक कोने में तेल का दीपक हल्का प्रकाश बिखेर रहा था। उसी प्रकाश में देवदास ने कमरे की सजावट को देख लिया। कुछ चकित कुछ क्षुब्ध होकर देवदास ने पूछा, चंद्रा ऐसी दुर्दशा कैसे हुई? फीकी हंसी हंसकर चंद्रमुखी ने कहा, दुर्दशा किसने कहा, मेरी तो तकदीर खुली है। देवदास समझ नहीं सका, पूछा, और तुम्हारे गहने कहाँ गए? बेच दिए। सरो सामान उसे भी बेच दिया। घर की तस्वीरें भी बेच दी। चंद्रमुखी हंसी, हंसकर सामने का कमरा दिखाती हुई बोली, वहां क्षेत्रमणि को दे दी। कुछ देर उसकी ओर देख देवदास ने पूछा, चुन्नी बाबू कहाँ है? कह नहीं सकती, 2 महीने के करीब हुए, झगड़कर चला गया, फिर नहीं आया। देवदास को और भी आश्चर्य हुआ। झगड़ा क्यों? चंद्रमुखी ने कहा, झगड़ा क्या नहीं होता? होता है, लेकिन क्यों? दलाली करने आया था, मैंने भगा दिया। दलाली काहे की? चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, झूठ की। उसके बाद कहा, तुम समझ क्यों नहीं सकते, एक धनी आदमी को ले आया था, 200 रुपये महीना, एक ढेर जेवर और दरवाजे पर एक दरबान, समझे? देवदास समझकर हंसा, बोला, मगर मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता, रहता जब तो देखते, मैंने तो उन्हें भगा दिया। कसूर उनका? कसूर कुछ नहीं था, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद से यहाँ कोई नहीं आया? नहीं, तब से क्यों, जब से तुम गए हो तभी से यहाँ कोई नहीं आता, केवल चुन्नी जब तब आ जाता था, 2 महीने से वह भी गायब है। देवदास बिस्तर पर लेट गया, दूसरी तरफ देखता हुआ देर तक मौन रहा। उसके बाद हौले हौले बोला, तो तुमने बिसात उठा दी? हाँ, दिवालिया हो गई। देवदास ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। पूछा, लेकिन रोटी कैसे चलेगी? बताया ना, अभी कुछ गहने थे, बेच डाले। आखिर कितने? ज्यादा नहीं, 800-900 रुपये हैं, एक मोदी के जिम में लगा दिया है, बस हर महीने 20 रुपये मुझे देता है। पहले तो तुम्हारा 20 से गुजारा नहीं चलता था, आज भी ठीक नहीं चलता, 3 महीने का किराया बाकी हो गया, सोच रही हूँ कड़े बेचकर सब चुका दूँ और फिर और कहीं चली जाऊँ। कहाँ जाओगी? कुछ तय नहीं कर पाई हूँ, किसी सस्ती जगह जाऊँगी, किसी गवई गांव में, जहाँ 20 रुपये में एक महीना गुजर सके। फिर अब तक चली क्यों नहीं गई? सच ही, जब तुम्हें कोई जरूरत नहीं रही तो नाहक ही कर्ज उधार क्यों बढ़ा लिया? सिर झुकाकर चंद्रमुखी ने कुछ देर सोच लिया। यह बात कहने में जीवन में आज उसे पहली बार शर्म महसूस हुई। देवदास ने कहा, चुप रह गई? बिस्तर के किनारे पर वह सकुचा कर बैठ गई, धीरे धीरे बोली, नाराज मत होना, आशा की थी कि जाने से पहले तुमसे भेंट हो जाए तो अच्छा है, सोचा शायद एक बार तुम आओगे। तुम आ गए, मैं आज ही जाने की तैयारी करूंगी, मगर कहाँ जाऊं बता दोगे? देवदास अचरज में उठ बैठा, केवल मुझसे मिलने की आशा में? आखिर क्यों? यूं ही एक ख्याल, तुम मुझसे घृणा करते थे, इतनी घृणा कभी किसी ने नहीं की, शायद इसीलिए। आज तुम्हें याद भी आएगा कि नहीं, नहीं मालूम, मगर मुझे खूब याद है, तुम पहले पहल जिस दिन यहाँ आए थे उसी दिन तुम पर मेरा ध्यान गया था। तुम धनी के बेटे हो यह जानती थी, लेकिन धन के लिए तुम्हारी तरफ नहीं खींची। तुमसे पहले कितने लोग यहाँ आए और गए, किसी में मैंने तेज नहीं देखा, और तुमने आते ही मुझ पर चोट की, एक उचित और अनुचित रूढ़ व्यवहार, नफरत से मुंह फेरे रहे, अंत में व्यंग की तरह कुछ दे गए, याद आता है। देवदास खामोश रहा। चंद्रमुखी फिर कहने लगी, तभी से तुम पर नजर गड़ी रही, प्यार से भी नहीं, घृणा से भी नहीं, कुछ नया देखने से जैसे याद रहता है, तुम्हें भी मैं किसी कदर भूल नहीं सकी। तुम आते थे तो डरती हुई मैं सावधान रहती थी, और नहीं आते तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। फिर जाने क्या दिमाग फिरा कि ये आंखें बहुतेरी चीजों को और ही रूप में देखने लगी, पहले की मैं से यो बदली कि वह ही न रही। उसके बाद तुमने शराब शुरू की,
शराब से मुझे बहुत घृणा होती। कोई नशे में होता तो उस पर मुझे बड़ा क्रोध आता, मगर तुम नशे में होते तो मुझे दुख होता। कहकर चंद्रमुखी ने देवदास के पैरों पर हाथ रखकर छलछलाती आंखों से कहा, मैं बहुत अधम हूं, मेरे अपराध माफ करना। तुम जाने कितना कुछ कहते, कितनी नफरत से दूर हटा देते, उतना ही ज्यादा करीब मैं जाना चाहती। अंत में जब तुम सो जाते, मगर रहने दो वे बातें, शायद फिर गुस्सा हो जाओ। देवदास कुछ नहीं बोला, नई तरह की बातें उसे कुछ दुखा रही थी। छिपकर चंद्रमुखी ने अपनी आंखें पोंछ ली और कहने लगी, एक दिन तुमने कहा हम कितना बर्दाश्त करती हैं, झटकी, अपमान, घिनौना अत्याचार, उत्पात। उसी दिन से मुझे बड़ा दुख लगा, मैंने सब बंद कर दिया। देवदास उठ बैठा, पूछा, लेकिन गुजारा कैसे चलेगा? चंद्रमुखी बोली, वह तो पहले ही बता चुकी हूं, लेकिन मोदी कहीं धोखा दे जाए? चंद्रमुखी इससे भयभीत न हुई, शांत और सहज भाव में बोली, कोई अनहोनी नहीं, मगर वह भी सोचा है, अगर मुसीबत में पड़ी तो तुमसे कुछ भीख मांग लूंगी। देवदास ने सोचकर कहा, वही सही, अब और कहीं जाने की तैयारी करो, कल ही करती हूं, कड़े बेचकर जरा मोदी से मिल लूंगी। देवदास ने 100-100 के 5 नोट निकालकर तकिए के नीचे रख दिए और कहा, कड़े मत बेचना, मगर मोदी से भेंट कर लेना। लेकिन जाओगी कहाँ, किसी तीर्थ स्थान पर? नहीं देवदास, तीर्थ स्थान पर अपनी वैसी आस्था नहीं, कलकत्ते से ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, आसपास ही कहीं किसी गांव में रहूंगी। किसी भले परिवार में दासी का काम करोगी? चंद्रमुखी की आंखें फिर भर आई, पहुंचकर बोली, आदत नहीं है, स्वाधीन रहूंगी, आखिर दुख क्यों उठाऊं, मशक्कत की तकलीफ कभी नहीं उठाई, अब भी उठाते न बनेगी, ज्यादा खींचातानी से शायद यह शरीर टूट जाए। देवदास उदास सा हंसा, लेकिन शहर के आसपास रहने से फिर शायद प्रलोभन में पड़ो, आदमी के मन का भरोसा नहीं। अब की चंद्रमुखी का चेहरा प्रसन्न हो उठा, बोली, बिल्कुल सही है, आदमी के मन का भरोसा नहीं, पर मैं अब प्रलोभन में नहीं पड़ूंगी, औरतों को लोभ बहुत ज्यादा होता है, यह भी जानती हूँ, लेकिन लोभ की जो वस्तु है, जानकर जब उसे छोड़ रही हूँ तो मुझे डर नहीं, सनक में छोड़ा होता तो सावधान करने की जरूरत थी, परंतु इतने दिनों में एक दिन भी तो मुझे अफसोस की नौबत नहीं आई, मैं तो बहुत मजे में हूँ। फिर देवदास ने सिर हिलाया, औरतों का मन बड़ा चंचल होता है, बड़ा अविश्वासी। चंद्रमुखी देवदास के बहुत करीब आ गई, हाथ पकड़कर कहा, देवदास। देवदास ने उसकी ओर देखा, अब यह कहते न बना कि मुझे छुओ मत। स्नेह से फैली आंखों से उसे देखती हुई उसके हाथ अपनी गोद में लेकर कांपती हुई आवाज में कहा, आज आखिरी दिन है, आज गुस्सा न होना, तुमसे एक बात पूछने को बहुत जी चाहता है। और उसने जरा स्थिर दृष्टि से उसे ताक कर कहा, पार्वती ने क्या तुम्हें बड़ी चोट पहुंचाई है? देवदास ने पूछा, आखिर यह प्रश्न क्यों? चंद्रमुखी विचलित न हुई, शांत दृढ़ स्वर में कहा, जरूरत है, सच बताऊं, तुमको दुख होता है तो मुझे भी बड़ी पीड़ा पहुंचती है, फिर भी मैं शायद बहुत बातें जानती हूं, जब तुम नशे में होते थे तुम्हारे मुंह से मैं बहुत कुछ सुनती रही हूं, लेकिन तो भी मुझे यह विश्वास नहीं होता कि पार्वती ने तुम्हें ठगा है, बल्कि मेरा ख्याल है तुमने अपने आप को ठगा है। देवदास, उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूँ, संसार में मैंने बहुत कुछ देखा है, मुझे क्या लगता है बताऊं? लगता है तुमसे ही गलती हुई है, लगता है चंचल और अस्थिर चित्त के नाम से स्त्रियों की जितनी बदनामी है, हकीकत में उतनी वे होती नहीं। बदनाम करने वाले भी तुम ही लोग हो, सुनाम करने वाले भी तुम ही लोग, जो कहना चाहते हो तुम लोग आसानी से कह बैठते हो, मगर उनसे तो कहते नहीं बनता, वे मन की बात जाहिर नहीं कर पाती तो सब कोई समझ नहीं सकते, क्योंकि बड़ी अस्पष्ट होती है, तुम्हारी जबान के आगे दब जाती है, और परिणाम यह होता है कि बदनामी ही लोगों की जबान पर चढ़ जाती है। चंद्रमुखी जरा रुकी, गले को जरा साफ करके कहने लगी, जिंदगी में प्यार का व्यापार बहुत दिनों तक किया, मगर प्यार मात्र एक ही दिन किया, उस प्यार का दाम बहुत है, बहुत कुछ सीखा, जानते हो ना, प्यार और चीज है, रूप का मोह और चीज,
इन दोनों में बड़ा झमेला होता है और मर्द ही यह झमेला ज्यादा करते हैं। शायद तुम लोगों की अपेक्षा रूप का मोह इनमें कम होता है, लिहाजा हम पल में ही उन्मत्त नहीं हो जाती। तुम लोग आकर जब प्यार जताते हो, जाने कितनी बातों से कितने ढंग से जाहिर करते हो, हम लोग उस समय चुप रहती हैं। बहुत बार तुम्हें सदमा पहुंचाते शर्म आती है, दुख होता है, हिचक होती है। मुंह देखने में भी जब नफरत होती है तब भी शायद लज्जा के मारे यह नहीं कह सकती कि तुम्हें प्यार न कर सकूंगी। उसके बाद बाहरी प्यार का अभिनय चलता है और एक दिन उसका अंत हो जाता है तो पुरुष मारे गुस्से से कह उठते हैं, कैसी धोखेबाज है, हर कोई वही सुनता है, वही समझता है, हम इतने पर भी चुप ही रहती हैं। जी में कितनी चोट पहुंचती है पर देखता कौन है। देवदास कुछ बोला नहीं। कुछ देर चुप रहकर चंद्रमुखी ने कहा, हो सकता है कुछ ममता हो जाती हो, औरतें समझती हैं यही शायद प्रेम है। शांत भाव से काम काज करती चली जाती हैं, दुख की घड़ियों में जी जान से सहायता पहुंचाती हैं, तुम तारीफ करते नहीं थकते, तमाम धन्य धन्य होने लगता है, लेकिन तब भी शायद उनके प्रेम का वर्ण परिचय नहीं होता। फिर कभी किसी अशुभ क्षण में उसका कलेजा जब दुस्सह पीरा से तरप कर बाहर हो आता है, तब उसने तीखी आंखों से देवदास की तरफ ताक कर कहा, तुम लोग शोर करके आसमान सिर पर उठा लेते हो, बदचलन, छी। अचानक देवदास ने चंद्रमुखी की हथेली दबाकर कहा, चंद्रमुखी यह क्या। चंद्रमुखी ने धीरे से अपना हाथ हटा लिया, कहा, घबराओ मत, मैं तुम्हारी पार्वती की बात नहीं कहती। चंद्रमुखी खामोश हो गई। देवदास जरा अनमना सा होकर बोला, कर्तव्य का भी तो तकाजा है, धर्म अधर्म भी तो है। चंद्रमुखी बोली, बेशक, और चूंकि यह है इसलिए देवदास जो प्यार करती है वह सब कुछ करती है। जिसे यह पता होता है कि केवल हृदय से प्यार करने में कितना सुख कितनी शांति है, वह नाहक दुख और अशांति को खींचकर नहीं लाना चाहती। लेकिन मैं जो कहना चाहती थी, दरअसल पार्वती ने तुम्हें रत्ती भर दगा नहीं दिया, तुमने खुद अपने आप को दगा दिया है। जानती हूँ आज बात समझने की जरूरत नहीं है, मगर जब समय आएगा तो समझोगे कि मैंने सच ही कहा था। देवदास की दोनों आंखें भींग गई। जाने क्यों देवदास के मन में यह होने लगा कि चंद्रमुखी का कहना ठीक ही है। चंद्रमुखी ने उसके आंसू देखे लेकिन उसे पोंछने की कोशिश नहीं की। कहने लगी, तुम्हें मैंने बहुत बार बहुत तरह से देखा है, मैं तुम्हारे हृदय को जानती हूँ, खूब समझती हूँ कि मामूली लोगों जैसे तुम पीछे पड़कर प्यार नहीं जा सकते। रही रूप की बात, रूप कौन चाहता है, फिर भी यकीन नहीं होता कि तुम्हारा यह तेज रूप के पैरों पर अपने को लुटा देगा। पार्वती हो सकता है बड़ी खूबसूरत हो, फिर भी मुझे लगता है उसी ने तुमको पहले प्यार किया था, उसी ने पहले यह जाहिर किया था। अपने आप कहते कहते उसके मुंह से निकल पड़ा, अपने आप से ही समझ सकती हूँ कि वह तुम्हें कितना प्यार करती है। देवदास झट उठ बैठा। क्या कहा। चंद्रमुखी बोली, कुछ नहीं, कह रही थी कि वह तुम्हारे रूप पर लट्टू नहीं हुई, तुम में रूप है पर उससे भूल नहीं होती। यह तीखा रूखा रूप सबको दिखाई भी नहीं देता, पर जिसकी नज़र पड़ जाती है वह फिर आंखें नहीं फिरा सकती। और एक लंबी उसांस लेकर बोली, ओह तुम में कितना अधिक आकर्षण है, इसे जिसने कभी तुम्हें प्यार किया है वही जानती है। इस स्वर्ग से अपनी मर्जी से लौट आए ऐसी स्त्री क्या इस दुनिया में है। वह फिर कुछ देर रुक गई, फिर उसके बाद बोली, यह रूप तो आंखों में नहीं आता, बिल्कुल कलेजे के बीच में उसकी छाया पड़ती है। उसके बाद जब जीवन के दिन खत्म हो आते हैं वह चिंता के साथ राख हो जाती है। विह्वल होकर चंद्रमुखी के मुख की ओर ताकते हुए देवदास ने कहा, आज यह सब क्या कह रही हो तुम। चंद्रमुखी ने हंसकर कहा, देवदास इससे बढ़कर बदनसीबी दूसरी नहीं कि जिसे प्यार नहीं करती वह प्यार की बातें करे। लेकिन मैं सिर्फ पार्वती का पक्ष ले रही थी, अपनी नहीं कह रही थी। देवदास चलने को हुआ, बोला, तो मैं चलूं, और कुछ देर बैठो, तुम्हें मैंने कभी होश में नहीं पाया, इस तरह हाथ पकड़कर कभी बात नहीं कर पाई,
आहा कैसी अनोखी तृप्ति, कहकर अचानक वह हंस उठी। देवदास ने आश्चर्य से पूछा, हंसने क्यों लगी? यों ही एक बात याद आ गई पुरानी, 10 साल पहले की बात, जब मैं प्यार करके घर से निकल भागी थी। तब लगता था जाने कितना प्यार करती हूँ मैं, जान भी दे दो शायद। फिर एक नाचीज से जेवर के लिए दोनों में लड़ाई हो गई और फिर कभी किसी ने किसी का मुंह नहीं देखा। जी को तसल्ली दी, वह मुझे प्यार ही नहीं करता था, नहीं तो वह एक अदना गहना मुझे नहीं दे सकता था। चंद्रमुखी एक बार और मन ही मन हंस उठी, फिर शांत गंभीर स्वर में बोली, खाक गहना, क्या मालूम था कि मामूली सिरदर्द पर हंसते हुए जान दी जा सकती है। तब न तो सीता सावित्री की वेदना समझती थी, न ही यकीन आता था। अच्छा देवदास, इस संसार में सब कुछ संभव है ना? देवदास कुछ भी नहीं कह सका, हतबुद्धि जैसा टुकुर टुकुर कुछ क्षण देखता रहा और बोला, मैं चलूं? घबराहट कैसी, जरा देर और बैठो, मैं तुम्हें अब मोह कर नहीं रखना चाहती। वह समय अपना लद गया, अब तो तुम मुझसे जितनी नफरत करते हो उतनी नफरत मैं तुमसे करती हूँ। मगर एक बात कहूँ, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अब देवदास ने निश्वास छोड़ा, हल्का हंसकर बोला, करनी तो चाहिए मगर जी नहीं करता। जी नहीं करता तो भी करो, बच्चों को देखने से भी बड़ी शांति मिलेगी, फिर मुझे भी एक सहारा होगा, तुम्हारे यहाँ नौकरानी सी रहकर भी सुख के दिन बिता सकूंगी, हंसकर देवदास ने कहा। अच्छा, उस समय तुम्हें बुला लूंगा। चंद्रमुखी ने उसका हंसना नहीं देखा, कहा, देवदास एक बात जानने को जी चाहता है। कौन सी बात? तुमने इतनी देर तक मुझसे बात क्यों की? क्यों, कोई गलती हुई? सो नहीं कह सकती, लेकिन नई बात जरूर है। जब तक शराब के नशे में बहुत नहीं हो जाते थे, कभी मेरी शक्ल देखते तो नहीं थे तुम? देवदास ने उसके इस सवाल का जवाब न देकर उदास भाव से कहा, अभी मुझे शराब छूनी भी नहीं चाहिए, मेरे पिता की मौत हुई है। चंद्रमुखी करुण आंखों से देर तक उसे देखकर बोली, उसके पश्चात फिर पियोगे? कह नहीं सकता। चंद्रमुखी ने उसके हाथों को जरा और खींचकर अश्रु आकुल स्वर में कहा, हो सके तो छोड़ देना, नाहक यह कीमती जान मत गंवाना। देवदास अचानक उठ खड़ा हुआ, बोला, अच्छा मैं चला, जहां भी रहो खबर देना, और कभी कुछ जरूरत पड़े तो मुझसे संकोच मत करना। चंद्रमुखी ने उसे प्रणाम किया, चरणों की धूल ली और बोली, आशीर्वाद दो मैं सुखी हो सकूं। और एक बात, ईश्वर न करे मगर कभी दासी की जरूरत हो तो मुझे याद करना। अच्छा, देवदास चला गया। चंद्रमुखी हाथ जोड़ कर रोती हुई बोली, ईश्वर एक बार और मुलाकात हो। 2 वर्ष के करीब हुए महेंद्र की शादी करके पार्वती बहुत कुछ बेफिक्र हुई, जलदबाला बुद्धिमती और कामकाज में कुशल थी। पार्वती के बदले घर का बहुत सा काम वही करती। पार्वती ने अब दूसरी तरफ ध्यान दिया। शादी को 5 साल हो गए, उसके कोई संतान न हुई। चूंकि अपनी कोई संतान नहीं, इसलिए दूसरों के बाल बच्चों के प्रति उसे बड़ा आकर्षण था। गरीब गुरबों की तो दूर, जिन्हें कुछ ठौर ठिकाना न था, ऐसों के बाल बच्चों का भी ज्यादा खर्च वर्च वही उठाती। इसके सिवा ठाकुरवाड़ी का काम, साधु संन्यासियों की सेवा टहल, अंधे अपाहिजों की सेवा जतन में उसका समय कटता। पति को प्रेरित करके उसने और एक अतिथिशाला खुलवाई। वहां बेघर बार और बेसहारों को जगह मिलती। उनका खाना खर्च जमींदार के यहाँ से चलता। एक और काम वह बहुत छिपा कर करती थी, पति को भी नहीं जानने देती। गरीब परिवारों को चुपचाप रुपए पैसे की मदद किया करती। यह उसका निजी खर्च था। पति से हर महीने उसे जो मिला करता था वह सारा इसी में खर्चती। खर्च चाहे जैसा भी हो, सदर कचहरी के गुमास्ता मुनीमों से छिपाना रहता। वे आपस में बातचीत करते रहते। नौकरानियां चुपचाप सुनकर आती कि खर्च आजकल दूने से भी ज्यादा हो गया है, खजाना खाली हो गया है, फूटी पाई तक नहीं जमती। फिजूल खर्ची बढ़ने से दास दासियों को मानो मार्मिक दुख होता। जलदबाला ने उनकी जवानी यह सब सुना। एक दिन उसने अपने पति से कहा, तुम क्या इस घर के कोई नहीं होते हो? महेंद्र ने कहा, क्यों सो तो कहो। स्त्री ने कहा,
दास दासियां देखती है, तुम नहीं देख पाते। ससुर के तो नई स्त्री अंतःप्राण हैं, वे तो कुछ भी नहीं कह सकते, तुम्हें कहना चाहिए। महेंद्र समझा नहीं, पर वह उत्सुक हो उठा, पूछा, क्या? जलद बाला गंभीर होकर पति को मशवरा देने लगी। नई माँ के न तो बाल न बच्चा, उन्हें भला घर गृहस्थी की क्या फिक्र हो, सब तो फूंक दिया, दिखाई नहीं पड़ता। आंखें सिकोड़ कर महेंद्र ने कहा, कैसे? कैसे? जलद ने कहा, आंखें होती तुम्हें तो देखते, खर्च दूना बढ़ गया है। सदा बरत दान खैरात साधु फकीर, यह तो कहो वे तो अपना परलोक सुधार रही है, मगर हमें तो बाल बच्चे होंगे, उनका गुजारा कैसे होगा? अपनी चीजों को दान करके आखिर भीख मांगेंगे? महेंद्र बिस्तर पर उठ बैठा। यह सब किसके बारे में कह रही हो तुम? छोटी माँ के? जलद बोली, हाय री मेरी फूटी तकदीर, यह भी खोलकर कहने की जरूरत है? महेंद्र बोला, ओह तुम माँ पर नालिश करने आई हो? जलद ने दुखी होकर कहा, नालिश मुकदमे की मुझे कोई गरज नहीं, अंदर की बात कानों तक पहुंचा दी, वरना आखिर में मुझे ही दोष देते। महेंद्र बड़ी देर तक खामोश रहा, फिर बोला, तुम्हारे मैके में रोज हांडी नहीं चढ़ पाती, तुम्हें क्या पता कि जमींदार के घर का खर्चा क्या होता है? अब जलत को भी क्रोध आ गया, बोली, तुम्हारी माँ के मैके में ही कितने मेहमान खाने खुले हैं। महेंद्र ने वाद विवाद नहीं बढ़ाया, चुप खड़ा रहा। सुबह वह पार्वती के सामने जाकर बोला, यह क्या ब्याह कराया तुमने माँ, इसके साथ तो निभना भी मुश्किल है, मैं कलकत्ता चल देता हूँ। पार्वती अवाक होकर बोली, ऐसा क्या बेटे, तुम लोगों को भला बुरा कहती रहती है, मैं उसे छोड़ देता हूँ। पार्वती कुछ दिनों से बहू के आचरण को देखती रही थी, लेकिन अपने मनोभाव को जब्त करके बोली, ऐसा नहीं कहते बेटा, वह तो बड़ी भली बिटिया है मेरी। उसके बाद उसने एकांत में जलत को बुलाया, बोली, बहू आपस में तकरार हो गई है क्यों? जलत सुबह से ही पति के कलकत्ता जाने की तैयारी देख देख कर डर गई थी, सास ने जो कहा सो रो पड़ी, बोली, कसूर मेरा ही है माँ, लेकिन नौकरानियां ही खर्च के बारे में लगाती रहती हैं। पार्वती ने सारा किस्सा सुना, शर्माई बहू की आंखें अपने आंचल से पोंछती हुई वह बोली, तुमने ठीक ही कहा है बहू, असल में मैं वैसी पक्की दुनियादार नहीं हूँ, खर्च की बात मुझे याद न थी। उसके बाद महेंद्र को बुलाकर कहा, बेटे बिना कसूर के यो नाराज नहीं होते, तुम पति हो, तुम्हारे मंगल के लिए तुम्हारी पत्नी को बाकी सारा कुछ तुच्छ लगना उचित है, बहू लक्ष्मी है। लेकिन उसी दिन से पार्वती ने हाथ समेट लिया, अतिथिशाला और ठाकुरबारी की सेवा टहल कम हो गई, अनाथ अंधे फकीर लौट जाने लगे। मालिक को खबर हुई, उन्होंने पार्वती से कहा, नई बहू लक्ष्मी का भंडार खाली हो गया है क्या? पार्वती ने हंसकर कहा, सिर्फ देने ही से तो काम नहीं चलता, कुछ दिन संजोना भी जरूरी है, देख नहीं रहे हो खर्च किस तरह बढ़ गया है? सो बढ़े, अपने अब दिन ही क्या है, कुछ सत्कर्म करके परलोक की फिक्र करना जरूरी है। पार्वती हंसकर बोली, यह तो बड़े खुदगर्ज जैसी बात हुई, अपनी ही फिक्र करते रहे और बाल बच्चे बेघर हो जाएं, कुछ दिन ऐसे ही रहो फिर सब किया जाएगा। सो चौधरी बाबू खामोश हो रहे। पार्वती का काम इधर कम हो आया, अतः चिंता कुछ बढ़ गई, लेकिन चिंता का भी एक रूप होता है, जिसे उम्मीद होती है वह और तरह से सोचता है, जिसे उम्मीद नहीं रह जाती वह और तरह से। पहले प्रकार की चिंता में सजीवता होती है, सुख होता है, तृप्ति होती है, दुख होता है, उत्कंठा होती है, इसलिए वह आदमी को थका देती है, ज्यादा देर सोचा नहीं जा सकता। परंतु ना उम्मीद को न सुख न दुख न उत्कंठा होती है, पर तृप्ति होती है, इसमें आंखों में आंसू भी बहते हैं, गहराई भी होती है, लेकिन रोज नए सिरे से जिगर को नहीं कुरेदती, हल्के बादलों सी जहां तहां उड़ती चलती है, जहां हवा के झोंके नहीं लगते वहां ठहरती है, जहां लगते हैं वहां से खिसक पड़ती है, तन्मय की उद्वेगहीन चिंता में एक सार्थकता होती है। पार्वती का इन दिनों ठीक यही हाल था, पूजा पाठ पर बैठती कि उसका चंचल लक्ष्यहीन उदास मन झट ताल सोनापुर के बांसों के झुड़मुट, आम के बगीचे, पोखरे के बांध आदि का चक्कर काट आता।
फिर यह ऐसी किसी जगह दुबक जाता कि पार्वती अपने को ढूंढ कर भी नहीं निकाल पाती। पहले शायद होठ के एक कोने में मुस्कुराहट थिरक गई थी, अब आंसू की कोई बूंद टप से पंचपात्र के पानी में छू पड़ती। दिन फिर भी कट जाते, कोई अन्नपूर्णा लक्ष्मी कहते तो कोई अनमनी उदासीनी, लेकिन कल सुबह से उसमें एक और ही तरह का बदलाव दिखाई पड़ा, कुछ तीखा सा, कुछ सख्त। उस भरी पूरी गंगा में अचानक कहां से भाटे का सा खिंचाव आ गया, घर के और किसी को खाक भी पता नहीं चला, केवल हम लोग ही जानते हैं।